ग्रेट मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ईवीएस क्लास. स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर वेरी गुड एट योर होम. यस, वेरी गुड. टुडे वी विल कंटिन्यू आवर चैप्टर 19. वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. यस, एयर ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट एंड लैंड ट्रांसपोर्ट. वी ऑलरेडी रीड अबाउट लैंड ट्रांसपोर्ट एंड वाटर ट्रांसपोर्ट. सो स्टूडेंट, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट एयर ट्रांसपोर्ट. Air transport, the vehicles that fly in the air are called air transport. For example, helicopter, hot air balloon, aeroplanes, these are the means of air transport. Means of air transport. We can travel in the air by aeroplane and helicopter. They are means of air transport. एरोप्लेन आर द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. सबसे तेज या फास्टेस्ट कौन सा ट्रांसपोर्ट है? एरोप्लेन. दे हेल्प अस टू सेव अ लॉट ऑफ आवर टाइम. एन एरोप्लेन लैंड सेट एंड टेक्स ऑफ फ्रॉम एन एयरपोर्ट. ये कहाँ लैंड करता है? एयरपोर्ट पे. हेलीकॉप्टर मोस्टली यूज इन हिली एरियाज. जो हिली एरियाज होते हैं वहाँ क्या यूज होता है? हेलीकॉप्टर. नेम द फॉलोइंग मीन्स ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट. जो एयर ट्रांसपोर्ट है इनके आपको नेम फील करने. लुक एट द फर्स्ट पिक्चर. दिस इज अ पिक्चर ऑफ एरोप्लेन. वेरी गुड. एंड दिस इज अ पिक्चर ऑफ हेलीकॉप्टर. मीन्स ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट. दीज आर द मीन्स ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट. इन डेजर्ट एरियाज कैमल्स आर यूज फॉर ट्रांसपोर्टिंग पीपल एंड गुड्स. In hilly areas, mules and ponies are used for transporting people and goods. जो desert area होते हैं वहाँ camel use होते हैं. जो hilly areas होते हैं mules और ponies का use किया जाता है. If we want to travel very far, अगर हमें काफ़ी दूर जाना है like to the moon, जैसे moon पे, तो we can travel in a spacecraft. तो हम क्या use करते हैं? Spacecraft. Look at the picture. This is a picture of a camel pulling a cart. This is a camel pulling cart. मतलब जो हम desert area में use करते. So different means of transport help us to travel fast. They have made our life very comfortable. ये किस लिए बनाए गए हैं? ताकि हमारी जो life है वो comfortable हो जाए. So student, this is your chapter 19. And I hope you all are understood this chapter very well. So student, you have to revise and read it again. Thank you. Have a nice day.